इस खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी मेकअप वाली हीरोइनें भी फेल हो जाएंगी। लंबे समय से बॉलीवुड से गायब चल रही जयप्रदा को सालों बाद देखकर ऐसा लगा कि मानो खूबसूरती आज भी उनके चेहरे से जरा सी भी ओझल नहीं हुई है। उनका ये दमकता चेहरा देखकर हीरोइनों के पसीने छूट जाएंगे। जयप्रदा को प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उनके अलावा कबीर बेदी और उदित नारायण को भी दिया गया है। इस मौके पर पहुंची जयप्रदा से लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाए। उन्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 60 बरस की हो गई हैं। उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जयप्रदा ने साल 1974 में भूमि कोसम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आई तो वो तेलुगु हीरोइन ही बननी थी, लेकिन उनकी अदाकारी ने ऐसा जादू किया कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर उनके आगे हाथ फैलाकर खड़े हो गए। जयप्रदा ने 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 70, 80 और 90 के दशक में लगातार काम करने वाली वो अकेली एक्ट्रेस रही। जितना नाम जयप्रदा ने फिल्मों में कमाया, उतना ही नाम उन्होंने राजनीति में भी रोशन किया। वो 2 बार सांसद भी रहीं, लेकिन आदत से मजबूर बॉलीवुड ने सबसे पहले ही जयप्रदा का साथ छोड़ा। जयप्रदा आखिरी बार साल 2013 में फिल्म रज्जो में नजर आई थी। इसके बाद उन्हें किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखा गया। हालांकि जयप्रदा आज भी तेलुगु सिनेमा में एक्टिव हैं। साल 2019 में ही उनकी एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी। एक दौर था जब जयप्रदा की खूबसूरती के किस्से हर अखबार मैगजीन की हेडलाइन हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। जयप्रदा बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी अपनी साख खो चुकी हैं। चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन भले ही बॉलीवुड ने जयप्रदा को भुला दिया हो, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी वो राज करती हैं। फिलहाल जयप्रदा के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।